तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन रमज़ान मुबारक। तो अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है, मुझे नमाज़ पढ़ने आना है, तो उसके बाद बात करते हैं। हाँ भाई, तो एक बार फिर आप सबको रमज़ान मुबारक। मुझे पता है मैंने देर कर दी है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे तमाम पलटन मौजूद है, आसिफ साहब मौजूद हैं, एहसान साहब मौजूद हैं, और ये लोग सारे आ रहे मैच खेलने के लिए इंतजार में है ना। मैच खेलने के लिए हाँ, मैच खेला मैच इधर भाई। रमजान में मैच खेलोगे? शर्म शर्म नहीं आएगी भाई, हमारा नहीं। रमजान में इबादत करते हैं, मैच खेलते हैं, शुरू होता है हमारा। बता दिया कुछ है? हाँ, क्या हो गया? आप लोग क्यों क्रिकेट खेलने के लिए रुके हुए यार? एहसान बताओ, ये हमारा कैप्टन है ना, चूने लगा था। आप जाके घर में इबादत करें, कुरान पढ़े, ऐसे मैच खेलने आ जाइए। सोने से अच्छा मैच खेलना तो जाके अभी सो जाएं, अपने रोजे क्यों खराब करें? कौन से बीवी बच्चे रो रहे हैं घर पे? मैच खेलो बेटा, मैच खेलो। ये देखो, ये जुबैर साहब है, ये बच्चों को ना गलत राह पर गामजन कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है ना एक्टिविटी में रहेंगे ना, तो एक्टिव रहेंगे। चाह रहा था कि आज लोग मैच ना खेलें, तो वैसे ही हो रहा है। इन लोगों के पास कोई इंतजाम नहीं हुआ, ना बैट का ना बॉल का, बंदे वैसे नहीं है। और आसिफ साहब को कम लगा हुआ है, खिला लो। अबे ऐसे क्यों, कौन खिलाता है यार, पता भी है। यस यस, आज मैं बहुत खुश हूँ कि एकदम मैच नहीं खेल रही। यस, अच्छी बात है यार, घर जाओ, आराम करो, सदमून करो। क्या तुम मैच खेल के अपना रोजा खराब करने वाले थे ना? आसिफ को फुल टाइम गम लगा हुआ है कि वो मैच नहीं खेल रहा, और ये फुल मूड बनाकर आया था कि आज इसको मैच खेलना है। लंबे लंबे छक्के, सुन रहे हो? तो आज मेरी दुआ लगी इन लोगों को। ये कह रहे लड़का के ब्लॉग बनाना है। चले सही बताओ, बाइक निकालो इंसान, चले बाइक निकालो, चलो बाइक निकाले। वो सीरियो जाने का तो कोई प्रोग्राम बना नहीं, लेकिन घर जाने का प्रोग्राम बन गया है। तो अभी घर जाना है और आराम करना है, ज़रूरी है। ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे यार? असल भाई बताओ तो सही। तो देखो यार, मुझे ब्लॉग बनाना है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा। मुझे पता नहीं क्या, क्यों नहीं मैनेज नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से ब्लॉग्स आ नहीं रहे, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा, और अभी तो होने का कोई चांस भी नहीं है अगले 2 महीने तक। तो शायद ये लास्ट ब्लॉग हो, या इसके बाद लास्ट ब्लॉग हो, या उसके बाद लास्ट ब्लॉग हो, फिर उसके बाद सीज़न नंबर 2 में हम दोबारा आएंगे। तो ये वजह है मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ईद के अगले हफ्ते हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, अभी तक क्लासेस चल रही हैं। तो इस वजह से मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा। और दूसरी वजह ये है, पंखा बंद किया यार, आवाज़ का इशू होता है ना। आज मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि क्लासेस नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे जाना था कुछ चीज़ें समझने के लिए, तो कोई भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। तो अभी घर में बैठ के पढ़ना है, क्योंकि तैयारी कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो बस भाई, अभी तक के लिए इतना है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आप लोगों में ये शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बेबी मैं सो के उठाऊँ, और अभी मुझे बाहर काम से जाना है। हेलो, तो पहले रमज़ान वाले दिन, मतलब जिस दिन पहला रोजा था, उस दिन मैंने एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी बनाई थी। उसमें ये नज़र आया था कि मैं और मेरे यही दोस्त जो आज फजर में मेरे साथ थे, हम लोग मैच खेल रहे थे। तो उस दिन हम लोगों ने मैच खेला था, असल में खेलना नहीं था, मैं काम से निकला था। तो वो लोग मुझे नज़र आए, तो मैंने कहा चलो यार खेल लेते हैं एक दो मैच। तो शायद आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो कि हम रमज़ानों में हमारी यूनिवर्सिटी अभी तक खुली हुई है, अभी तक हम लोग को जाना है। तो उस दिन मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था। तो यूनिवर्सिटी जाने के बाद जो मुझे पता है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैंने आज मैच भी खेला था, तो मेरे घर वाले कह रहे हैं बेटा या तो तुम रोज़े रख लो, या तो तुम ये मैच वगैरह जो भी है ये कर लो, ठीक है। तो इससे पहले यूनिवर्सिटी में मैंने जिक्र किया था इस बात पर कि यार आज मैंने ना मैच खेला है, तो थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है। तो उस पर मुझे हमारी क्लास में एक भाई हैं, अमार भाई ना, तो उन्होंने मुझे ये बात
समझाई तो नहीं, उन्होंने मुझे बस ये बात कही, सिर्फ मुझे नहीं, हमारे दो तीन जितने भी उस वक्त लड़के मौजूद थे क्लास में, उन्होंने कहा कि हम लोग माना कि सारा साल जिसका भी शौक़ है मैच का, फुटबॉल का, वट एवर जो भी है वो खेलते हैं, लेकिन रमज़ान में ही क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा लेवल पर कर दी जाती है कि फजर में मैच खेलना है, मगरिब के बाद अफ्तारी के बाद फुटसॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है। वजह यार, इबादत का महीना है, इबादत करनी चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई थी, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था, पता नहीं क्यों, अब जाहिर है हर इंसान हूँ तो नहीं आया ख्याल, लेकिन उनकी इस बात से मुझे बहुत फील हुआ कि यार वाकई सिर्फ रमज़ान में ही क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट कर दी जाती है कि मैच खेलना है, फुटसॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, क्यों? तो मैंने तो यही सीखा कि भाई अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और आज मेरी दुआ कबूल हो गई, इत्तेफाक से उन लोगों को मैच खेलना नसीब नहीं हुआ तो खैर हो गई। ये आपने देखा कि मैं दही लेकर आया, तो यार रमज़ान का और दही का ना ऐसा रिश्ता जुड़ गया है ना कि मैं कहता हूँ इनफ, मतलब पिछले रमज़ान भी मैंने गुजारे हैं लेकिन मैंने इतना दही का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब नहीं देखा, लेकिन इस बार तो भैया दही दही हो रहा है, मतलब रमज़ान और दही दही। अरे खैर, बहुत ठंडी है हमारी, तो अभी मुझे कुछ काम करना है, आपसे मिलते हैं। सही, तो जिन हज़रात का बाहर आना जाना है तो उनको इस बात का पता होगा कि रमज़ान में, मतलब जो दुकान वगैरह पे आते जाते रहते हैं, बाहर का सौदा सामान लेकर आते हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि रमज़ान में दही की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो बाज़ औक़ात आपके घर में दही जमाया जाता हो, तो क्या आपके घर में दही जमाया जाता है? बताओ बताओ बताओ। हाँ भाई, तो अभी अभी रोज़ा खुला है और मैं सबसे पहले, तो अभी मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो रोज़े के फौरन बाद किया जाता है। जी हाँ, तो देखती आँखों और सुनते कानों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं गया था जहाँ आप समझ रहे, मैं असल में अपना फ़र्ज अदा करने गया था, तो मैंने सोचा बता दूँ, ज़रूरी है क्योंकि लोग तो फिर लोग हैं। अच्छा खैर, तो अफ्तारी हो गई है और अभी अफ्तारी के बाद का खाना खाया जा रहा है, समोसे और फिर चाय, मतलब चाय तो भैया चाय तो नेक्स्ट लेवल, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं ना, मतलब चाय का और अपना ऐसा गहरा बंधन है ना, तो उसको बयान नहीं किया जा सकता। और मैंने हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो अब ये कमेंट में नहीं कर देना कि तुम तो हिंदी बोल रहे हो, भाई हिंदी भी एक लैंग्वेज है जिसमें से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, प्लीज़ कोई इस कॉम्प्लेक्स में नहीं पड़िएगा आप, ठीक है? तो अभी व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।